नाम है वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड, ये लोहे के पाइप्स बनाने का काम करती है, जिस सेगमेंट में अपोलो APL अपोलो ट्यूब्स कंपनी है उसी सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। 1285 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 3% की इसमें तेजी देखी गई है फ्राइडे के दिन। कारण ये है कि इसके रिजल्ट आए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए, बहुत छोटी कंपनी है ये, आप देखेंगे जस्ट 2600 करोड़ का मार्केट कैप है, 56 का इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो है, यानी कि काफ़ी छोटी कंपनी है। ऐसी छोटी कंपनीज ही आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न बना के दे सकती हैं, इनमें पोटेंशियल बहुत होता है। वीनस पाइप्स जो कंपनी है लोहे के पाइप्स ट्यूब्स हाइड्रोलिक इंस्ट्रूमेंट्स ये सब बनाने का काम करती है, स्टील प्रोडक्शन में पूरा काम करती है, तो इस गवर्नमेंट का जैसे पूरा फोकस ही इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है तो डेफिनेटली ये चीज़ें डिमांड में रहेंगी, हाई डिमांडिंग बिजनेस है। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एक छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी होने की वजह से इसको बेनिफिट है कि यहाँ से ये रैपिडली ग्रो कर सकती है। ये देखिए मार्केट कैप आपके सामने है, 2600 CR का है, बहुत छोटी कंपनी है, 1282 पे ट्रेड कर रहा है, 1320 का हाई है, 380 का लो है, 49 का स्टॉक का पी अभी के टाइम पे आपको दिखा रहा है। ROC ROE 22 और 19 का है। आगे मैं आपको इसका प्रॉफिट का डेटा दिखा देता हूँ कि छोटी कंपनी होने के बावजूद भी इसने बेहतरीन प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है जब से ये लिस्ट हुई है मार्केट में। ये मार्जिन भी देख सकते हैं आप, 7% से बढ़ के 11% और 13% हो चुके हैं, मार्जिन एक्सपेंशन भी हो रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो ये चीज़ काफ़ी बेहतरीन मानी जाती है एक छोटी कंपनी में। देखिए 4 करोड़, फिर 4, फिर 24, 32, 44, 53, तो लगातार ग्रोइंग मोड में इसका प्रॉफिट हमें दिख रहा है जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। 3 साल की सेल्स ग्रोथ आपके सामने है, 46 है, 3 साल की प्रॉफिट की ग्रोथ 120 है, 1 ईयर का CAGR स्टॉक का है 226 और 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी है 29 का, काफ़ी अच्छा डेटा निकल के आ रहा है इसका। बाकी इसका मैं आपको एक बार शेयर होल्डिंग का पैटर्न दिखा देता हूँ। प्रमोटर के पास 48% है, प्रमोटर ने एक बार इसको लिक्विडेट किया, दोबारा प्रमोटर ने एक भी शेयर नहीं बेचा, कंटिन्यूस 48 होल्ड कर रहे हैं। FI की हिस्सेदारी आप यदि ध्यान से देखें तो 2% थी, फिर कम हुई, उसके बाद रिजल्ट अच्छे आए, बढ़ा दी 2 से सीधा 5.5, 5.5, 6.5, लगातार बाइंग कर रहे हैं FI, लगातार बाइंग, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि छोटी कंपनी में पोटेंशियल है। DI देखिए 7, 7.5, 8.5, 8.7 तक। इसके बाद पब्लिक है, पब्लिक के पास 36 हिस्सेदारी है, तो काफ़ी अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका दिखाई दे रहा है।